परसेंट भाई बंसल स्टूडियो बम्बोरी हरे शंकर भोलेनाथ त्रिलोचनी अरे पाया को नी पार तेरा पार्वती के देव जी यो नाम जपे संसार तेरा भाई, भाई, बड़ा सुंदर किस्सा है। भगवान भोलेनाथ और माता गोरा पार्वती में एक बार झगड़ा हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ माँ गोरा से रूट कर दूर चले जाते हैं। वन में जाके वो तपस्या करने लगते हैं। साहब तक वो भजन के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ 24 घंटे भांग के नशे में धुत रहते हैं और भांग के नशे में किसी को भी कोई भी आशीर्वाद दे देते हैं। तथास्तु। एक बार आपने सुना होगा भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था भगवान भोलेनाथ ने कि जा भाई जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने वही तरकीब भोलेनाथ के लिए अपनाई तो भोलेनाथ को कोसों दूर भागना पड़ा था। देखो इतने बोले हैं भगवान भोलेनाथ और ये कहना है अरे बड़ो भाग को दीवानों की कर हो जाए मस्तानो। किस किसने सुना है भजन? सुन रखा है आप लोगों ने? सुना है ना? तो इसमें नाच भगवान भोलेनाथ के भक्त हो ना आप सब? अच्छा भगवान भोलेनाथ की प्रसादी भी लगाते हो? कोई लगाते क्या कोई प्रसादी? हाँ सारा ही दो नंबर का काम है साहब। एक नंबर में बेच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे नशे हैं भगवान भोलेनाथ के। फिर भी भगवान भोलेनाथ भोले भोले तो कहते हैं अरे भरो भांग को दीवानों की कर हो जाए मस्तानो। और रम क्यों डूंगरा में और रम क्यों डूंगरा में और रम क्यों डूंगरा में बोला देखी ये खिलाड़ी बिल्कुल दरबार में आइए आपकी जरूरत है यहाँ पे। जो जो भगवान भोलेनाथ को मानते एक बार खड़े हो जाइए भाई साहब। शुरुआत इधर से करेंगे हम लोग क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए एक जने को खड़ा होना पड़ता है। आप लोगों में से खड़े हुए बिल्कुल आज आज की रात ये आनंद लेना है सभी से। हो जाइए खड़े। अरे हाँ खड़े तो होइए बिल्कुल दरबार में। और कहना है अरे बोलो भांग को दीवानों की कर हो जाए Thank you.
आप लोगों ने किसी को भी नाचना नहीं आता, मेरे को पता है आप लोगों को किसका इंतजार है। हमारे पीछे बेटी है, बड़ी दूर से चले आपके बीच में आए। देखो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, तो मैं चाहूंगा आपसे, आप भी भगवान भोलेनाथ को मानते एक बार दरबार में खड़े हो गए यार, हमारे मन की संतुष्टि के लिए, और कहना देखो भगवान भोलेनाथ के लिए, और खाली परमानंद दिलगोली से मान ले, ओके मैं हर बारी में भाई